हम लोग मानगो छठ घाट आए हैं छठ पर्व मनाने के लिए। आप लोग बने रहिए YouTube चैनल में, आपको यहाँ का छठ पर्व दिखाएंगे। बधाई हो छठ पर्व। और आपको हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए। और दोस्तों, और हमारे जमशेदपुर में बड़ी धूमधाम से छठ पर्व मनाते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं, और बहुत ही यहाँ पर छठ घाट पूरा साफ सफाई से रखा गया है यहाँ का प्रशासन। और हम लोग आए अपना फैमिली, हम जो हमारे बगल में मकान मालिक जो छठ इस साल छठ पर्व कर रहे हैं, उनका ब्लॉग वीडियो उन्हीं का बनाया है। तो आपको सारा कुछ ब्लॉग वीडियो दिखाएगा, तो क्या स्पोर्ट मन टू ब्लॉग पे बनाया हेलो दोस्तों, मंटू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ले आया हूँ छठ पर्व का ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे, और नंदा जी का साथ हम लोग आए हैं और फर्स्ट बार छठ पर्व कर रहे हैं, और इनका सारा ब्लॉग वीडियो और आसपास का सारा कुछ दिखाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, पहले लोकेशन देख लीजिए, हम लोग जहाँ हैं ये है कांदेर बड़ा पुल, जो सीधा रांची की ओर जा रहे हैं, और इसके जस्ट ही आगे दोमानी नदी जो सबको जानते हैं। बस हम लोग बीचों बीच आए हैं, तो आज का दिखाते हैं ब्लॉग वीडियो। हेलो दोस्तों, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं 3 बजे करीब हम लोग, और लोग मानगो होते हुए जा रहे हैं। ये है हमारा जमशेदपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड, यहाँ से आप उड़ीसा, रांची, धनबाद, बोकारो, पुरुलिया कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों यह बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है हमारा जमशेदपुर का, ये मानगो बस स्टैंड। अगर कभी जाना हो तो इस जगह जरूर आइएगा, लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर बस बुक होता है, रात को भी जाते हैं बड़े बड़े बस, लंबे लंबे दूर दूर उड़ीसा तक कहीं भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मानगो का हम लोग पुल पार कर रहे हैं, देख सकते हैं इधर। आज छठ पूजा का चलते काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, आज छठ पर्व है, इसीलिए हम लोग 3 बजे तो निकल चुके थे घर से, और हम लोग को भीड़ की वजह से हम लोग को 4:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। काफ़ी भीड़ है, करीब 1.5 घंटा लग जाएंगे। दोस्तों हम लोग अब धुमानिया रोड पकड़ेंगे, ये मानगो तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग जगह जगह बहुत सारा घाट है, यहाँ पर देखिए मानगो घाट है बगल में, लेकिन हम लोग धुमानिया वाले घाट जाएंगे, वहीं पर हम लोग बोले थे कि सब कुछ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, लोकेशन और वीडियो बने रहिए, आपको ले चलते हैं सारा कुछ नज़ारा दिखाते हुए। ये रोड पर जा रहे होंगे जुबली पार्क का, जो पीछे से क्या कांदेर बड़ा वाला पुल जो नया गेट बना था जुबली पार्क का, आपको दिखाते ले चलते। देख सकते हैं सवाल लोग किस तरह गाड़ी बुक करके आ रहे हैं, गाड़ी का कतार लगा हुआ, सब छठ घाट जा रहे हैं पूजा करने के। देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा दोस्तों, देखने बहुत ही अच्छा आनंद लग रहा है। इस तरह छठ पूजा लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे जमशेदपुर में भी बहुत ही धूमधाम से ये महापर्व छठ पर्व हर कोई यहाँ पर मना रहे हैं। देखिए जुबली पार्क का गेट है जो हम लोग पार कर रहे हैं, यहाँ पर भी जू है, जू के अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और चलते हैं लोकेशन और वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आगे का नज़ारा दिखाते ले चलते हैं। हम लोग सब कुछ जा रहे हैं, गाना सुनते हुए छठ मैया का बहुत ही प्यारा सा गाना सुन रहे हैं हम लोग, धुनती में सब धुन में है, और हम लोग माँ का छठ माँ का सुनते हुए घाट तक जा रहे हैं दोस्तों। और आगे का नज़ारा आपको और दिखाएंगे, लोकेशन में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए हम लोग ये चल जा रहा रांची की ओर, चांडिल होते हुए, चांडिल होते हुए चौका होते हुए रांची देवरी मंदिर जो जाते हैं, ये रोड से जाते हैं हाईवे नेशनल 33, हम लोग किधर दोमानी की ओर जा रहे हैं, और आपको दिखाएंगे ब्लॉग वीडियो। हम लोग पहुँच चुके दोस्तों, देख सकते हैं, और राजू जी प्रसाद का सूप जो है सर में अपने लेके घाट तक जाएंगे, और नंदा जी और जो नियम अपना जो छठ माँ से मांगे हैं अपना, देख लिए अपना जो जैसा छठ माँ से मांगते हैं उस तरह से करके जाएगा घाट तक। उसने व्रत मांगा था कि मैं ऐसा करके ही माँ का पास जाऊंगा और पूजा पाठ करूंगा सच्चे मन से। तो देख सकते हैं बहुत ही कठिन और मेहनत कर रहे हैं, और अपने अपना तरीका है, जो जैसा छठ माँ को बोलते हैं उस तरह से घाट जाते हैं, कोई बाजा बजा के ले जाते हैं, कोई माँ को प्रणाम करके जाते हैं, जो जैसा है अपना अपना मनता है मांगने का। और देखिए हम लोग सबको आए हैं, और सब में भाभी जी भी है बगल में, देखिए सब कोई माँ का प्रणाम कर रहे हैं, और इधर बेलूंग गुब्बारा बेच रहे हैं, सूरज अभी डूबा नहीं है दोस्तों। और छठ पूजा ही एक ऐसा है जो डूबते हुए सूरज और उठते हुए सूरज सूरज का पूजा किया जाता है। और देखिए यहाँ पर बैंड पार्टी का साथ छठ पर्व का प्रसाद लेकर जा रहा घाट तक अगल बगल के लोग। और देखिए
नदी किनारे का बगल में सूप का प्रसाद भी देखिए किस तरह सजा के रखा गया है, काफ़ी खूबसूरत। और जितने भी गन्ना है देख सकते हैं पानी में डुबा डुबा के गन्ना रखा गया है, सब पूजा करेंगे, सबको अर्घ देंगे जैसे ही। और नंदा जी देख सकते हैं पूजा में लग गए, फटाफट पूजा कर रहे हैं। शाम होने को है, सूरज ढलते समय अर्घ दिया जाता है और सुबह भी दिया जाता है। आप जानते होंगे ये मेरे बेटे हैं, बेटे को मैं लेकर आया हूँ, फैमिली के नहीं लाया हूँ। और चलिए दिखाते हैं नंदा जी अपना पूजा में भिड़े हैं और जितने भी हैं सबको दिखाते हैं और सबको प्रसाद एक जगह करेंगे और सबको टीका सिंदूर दिया जला के इसको पूजा करेंगे, सबको सूप को रेडी करेंगे, उसका बाद नहा धो के अर्घ के लिए रेडी होंगे। और देखिए आसपास का नज़ारा दिखाते हैं सबको, देखिए सूरज बस कुछ ही देरी में डूबने को चला है, थोड़ा टाइम बचा हुआ। और नंदा जी जा रहे हैं अभी घाट प्यार में नहाने, और देखिए नहा के आ गए हैं, अब टीका हल्दी उनका माँ लगा रहे हैं। और बगल में नंदा जी का मम्मी पकड़े हुए हल्दी और बगल में टीका लगा रहे हैं। और आसपास का नज़ारा देखते हुए सारों को और को दिखाऊंगा, चारों तरफ नज़ारा आपको दिखाऊंगा। और राजू जी आए हैं अपने मम्मी को सूप पकड़ा रहे प्रसादी का, क्यों अर्घ का टाइम हो चुका है, सूरज डूबने को आ चला है। दोस्तों अब सबको एक एक को सूप पकड़ाएंगे और देखिए सूरज डूबने को चला है और डूबते समय अर्घ दिया जाता है। देखिए तीनों को पकड़ा दिया, अपने वाइफ को, नंदा जी को भी दे रहे हैं, अपना मम्मी को भी दिए, फुआ को भी दिए, और बगल में भाभी जी खड़े हैं और साथ में आए हम लोग का। तो चलिए अब देखिए गोल घूम रहा है, देखिए हमारे छठ पर्व इस तरह मनाया जाता है, नहा धो के सच्चा मन से सूप का प्रसाद घुमा के सूरज देव को दिखा के अर्घ दिया जाता है। अर्घ कोई भी दे सकते हैं, आप हम या कोई भी, ऐसा नहीं है कि जो साथ में वही दे सकता है, कोई भी किसी का भी अर्घ दे सकते हैं सच्चा मन से। और ये बहुत ही विशाल और बड़ा पर्व है और बहुत ही शुद्ध पर्व है, जो बहुत ही मुश्किल से रखना पड़ता है, कठिन पर्व है दोस्तों, थोड़ा नियम कानून। और देखिए अर्घ डाल रहे हैं अभी इस तरह, और मैं भी अर्घ दे रहा हूँ देख सकते हैं आप, और फुआ जी को दे रहे हैं और चाची को दे रहे हैं, और नंदा जी बगल में है देख सकते हैं, सबको अर्घ दे रहा हूँ मैं भी, सबको अर्घ दे दिए हैं। और वीडियो आगे का दिखाऊंगा दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह दिया जा रहा है, इस तरह पर्व जो छठ माँ का किया जाता है, बहुत ही एक पर्व है दोस्तों। देखिए राजू जी अब दूध का अर्घ दिया जा रहा है, जल दूध कुछ भी आप दे सकते हैं। देखिए अगल बगल के लोग अर्घ देने के लिए खड़े हैं एक दूसरे का, और देखिए सिंदूर टीका लगा रहा है, और बगल में देख सकते हैं, और बगल में भी वही अर्घ का ही चल रहा है, सबको टीका लगा रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं छठ मैया को, देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं आसपास का। अभी सूरज डूबने को चला है इसीलिए अर्घ ही चारों तरफ चलेगा दोस्तों, देख सकते हैं। और अगर देखिए राजू का बेटा बेटी अपनी मम्मी को अर्घ दे रहे हैं, देख सकते हैं ये वीडियो यादगार रहेगा दोस्तों, कि अपने माँ को अर्घ दिया था। इस वीडियो के माध्यम से बच्चे बड़े होकर देख सकेंगे, और अपना माँ अपने बेटी को देखिए टीका लगा रहे हैं, और राजू जी आ रहे हैं, जितने भी प्रसाद है दोस्तों सब देखे इस मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन जितने भी प्रसाद है सब एक एक तरफ पकड़ाते हैं और उसको गोल घूम के और अर्घ देने के बाद फिर से अर्घ दिए जाते हैं, मतलब सूरज देव को चढ़ाते हैं और उसके बाद सब सारा कुछ रख दिया जाता है पूजा करके। देखिए सब एक साथ अर्घ दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये पर्व, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक छठ पर्व ही मुझे ऐसा नज़र आया कि उड़ता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज को जल चढ़ा के अर्घ दिया जाता है, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। एक ऐसा पर्व लगा जो गंगा माँ का जल में खड़े होके तन मन से सच्चा मन से याद करते सूरज देव को और उनको पूजा करते हैं, गंगा माँ का करते हैं छठ मैया
अग्निदेव, सूर्य देव, जितने भी देवी देवता हो सबको याद करते हैं सच्चा मन से। और यहाँ पर चारों तरफ का और भी दिखाते हैं लॉन्ग वीडियो, यहाँ पर भी देखिए बगल में दिखाते हैं, इधर भी अरंका चल रहा है और इधर भी देखिए बगल में भी चाची सूप पकड़े हुए हैं, चारों तरफ घुमा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ काफ़ी है, फैमिली दूर दूर से आए होंगे। और इधर भी अरंका चल रहा है, चारों तरफ देख सकते हैं अरंका ही चल रहा है। जय हो छठ मैया, जय हो छठ मैया, जय हो सूर्य देव, जय हो गंगा माँ, जय हो। तो देख सकते हैं। और तो दोस्तों मैं भी दे देता हूँ चाय अपना अरग, और मैं भी चल लिया हूँ लोटा में और गंगा माँ को लिए हूँ और चढ़ा रहा हूँ, मैं भी अरग दे रहा हूँ। हे गंगा माँ, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। और इधर भी देखिए, इधर भी चल रहे अरग, चारों तरफ अरग। वो स्क्रीप मत कीजिए दोस्तों वीडियो, ये अरग का भी मैं दिखा रहा हूँ। शाम होने को चला है, सूरज ढलने को चला है और चारों आसपास का देख सकते हैं। इधर मैं मोबाइल घुमा रहा हूँ, उधर से भी अरग का ही देख सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पर फिर नहा धो के आके टीका लगा के सूप पकड़ा के फिर अरग देने के बाद अरग दिया जाता है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारे बीच आए हैं हमारे आवाज है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और हमारे बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, हमारे जमशेदपुर शहर में बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सुनाई नहीं। हमारे जमशेदपुर शहर में हम लोग यहाँ पर मानगो खाए, क्या दोहानी घाट मानगो में आए हैं, दोहानी गए क्या कांदर बड़ा पुल के पास आए हैं। और ये इतने भीड़ है छठ पूजा का श्रद्धालु, चारों तरफ भीड़ देखिए, बहुत ही ज्यादा भीड़। आप लोगों भी छठ पर्व का आवाज सुनाई दे ना दे, लेकिन हेलो दोस्तों, भाभी जी ने बहुत ही अच्छा तरीका से वीडियो में बोला, बहुत ही अच्छा लगा उसको बोलने, बहुत ही अच्छा तरीके से आता है। चल दोस्तों, आज का छठ पर्व छठ पूजा हो गया शाम का। और देखिए सबको एक दूसरे को अब टीका लगा रहे हैं, इसके बाद हम लोग घर जाएंगे। अब फिर भोर को इसी घाट में फिर आना है, आज डूबता हुआ सूरज का अर्घ हम लोग दे दिए हैं। कल सुबह 4 बजे हम लोग आएंगे, अभी 6:30 बजे जब सूरज निकलेगा फिर हम लोग एक बार अर्घ देंगे, उसके बाद पूजा सम्पन्न हो जाएगा। और दोस्तों चलिए आसपास का नज़ारा थोड़ा देखते हैं जाते जाते। देखिए यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, अभी हो गया है, लोग भी घर जाने के तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का छठ पूजा का नंदा जी ने पहला पड़ाव पार कर गए हैं और कल का सुबह का है जो भोर पाएंगे इस घाट में पूजा सम्पन्न करेंगे। पहला बार छठ पर्व रखे थे, छठ पूजा नंदा जी ने सफलपूर्वक निभाया और पूरा किया। और छठ माँ सब कृपा वर्षा रखना अपना अब। और दोस्तों आगे का और लोग वीडियो दिखाते हैं रास्ते का, रास्ते में लोग जाते समय और सूर्यदेव का मंदिर मिला था धुमानी के बगल में, और प्रभु श्री राम, माँ सीता और प्रभु लक्ष्मण का भी दर्शन कराएंगे रास्ते में। वीडियो बने रहेगा दोस्तों, नज़ारा आपको यहाँ का दिखा देते हैं। जाते हुए श्रद्धालु जो घर जा रहे हैं, कितने भीड़ देख सकते हैं इस घाट में, हर घाट में, मानगो में, धुमानी में, कांदरेपड़ा में, जितने भी देर तक नदी है आसपास के सब पूजा किए। चलिए देखिए यहाँ पर सूर्यदेव जी का जितने भी हैं सबको श्रद्धालु लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर घर चमन से सबको अगरबत्ती जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के, सूर्य जी का भी दर्शन हुआ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। और बाहर निकलते ही लोकेशन और वीडियो दिखाएंगे। और एक सूर्यदेव का मंदिर है जो वहाँ पर है, जब कभी भी आके दर्शन करते हो सूर्यदेव का, लोकेशन देख लीजिए पहले, सबसे पहले आप मैं किस जगह पर हूँ, कांदरेपड़ा पुल का आगे धुमानी का बीच में देख सकते हैं। और उसका बाद चलते हैं आगे को, देखिए यही मैं मंदिर बोल रहा था, ये रोड के पास ही है सूर्यदेव का, कभी भी आकर दर्शन कर सकते हैं। कांदरेपड़ा पुल का आगे रोड के पास ये मंदिर है सूर्यदेव का, देखिए दर्शन कीजिए। और बगल में बहुत ही सुंदर से तरीका से है कमेटी के लोग बनाया है, देखिए देखिए मूर्तियाँ बैठाया गया बगल में, प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु श्री लक्ष्मण का, तीनों का देखिए
अब जानते होंगे सबसे पहला छठ पूजा माँ सीता ने ही किया था। और देखिए अर्घ डाल रहे हैं प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण, माता सीता को अर्घ दे रहे हैं। सबसे पहले पूजा किए थे सीता माँ ने, उसी को हम लोग सदियों से परंपरा करे आ रहे हैं। सदियों से हर राज्य में हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, और सब सफलतापूर्वक हम लोग हर साल मनाते हैं। और छठ माँ सब पे कृपाएं बसाए रखना। तो दोस्तों आपको यहाँ का छठ घाट का छठ पूरा पर्व किस तरह हम लोग मनाते हैं, सब कोई मनाते हैं, सारा कुछ दिखाया। अपना प्यारा सपोर्ट मल्टी ब्लॉग पे बनाए रखिएगा। आप कुछ बोला जाता छठ पूजा के बारे में? अगर दिखा पाए तो वीडियो बनाएंगे, दिखा पाए तो बनाएंगे आप वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, इतना प्यारा सपोर्ट। धन्यवाद। आप सबको शुभकामना हो, छठ पूजा का हार्दिक मंगल में हो आप, बोला आप सब खुश रहे हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बोलिए लगा के बोलिए फिर से नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय बाय।